नमस्कार, मैं सुमन ख्यालिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं मानक दीवान के ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में, जहां आरएमपी डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। सामने दो फेस सामने आए थे, जहां कुछ डॉक्टर पैसे लेके अपनी जेब भर रहे थे, अपने घर चला रहे थे, वहीं दूसरी ओर आरएमपी डॉक्टर्स जो रात को 1-2 बजे तक लोगों के घरों में जाकर उनकी बीमारियों का इलाज कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रहे थे, आज उनको सम्मानित किया गया है। और आपने न्यूज़ की टीम की तरफ से मैं भी उन्हें सल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। तो चलिए आपको कार्यक्रम की पूरी तस्वीरें दिखाते हैं, और स्कूल के एमडी अजब बेनीवाल का इस विषय में क्या कहना है, उन्होंने क्या सोचकर इनको सम्मानित किया है, वो सब आपको सुनवाते हैं और लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सर, हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि समाज सेवा गाँव में काफ़ी लोगों ने जो समाज सेवा की थी, कि जैसे वॉलंटियर बच्चे भी थे, उसमें समझदार समाजसेवी लोग भी थे, जिन्होंने जो खाने से लेके कपड़ों तक लोगों को दान दिया, पर वो था सिर्फ दिन की सेवा। क्योंकि जैसे मैं किसी को अगर 2 किलो अनाज दे रहा हूँ, 2 किलो आटा दे रहा हूँ, तो वो दिन में मेरा देखे अपना काम करके आ रहा था। जो आरएमपी डॉक्टर थे, उनका दिन रात 24 घंटे, के डॉक्टर तो ऐसे थे जिनको सोने के लिए भी 1-2 घंटे मुश्किल से टाइम मिल रहा था, और बार बार ये चीज़ एक पिंच कर रही थी कि उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल रहा है, ना सरकार की तरफ से है, ना कोई लोगों की तरफ से है। और लोग भी यही देख रहे थे कि सिर्फ डॉक्टर है, क्या कहते थे, जा घरे दादी बीमार है, टिक्को लगाइए आगे। मतलब एक जो भावना होनी चाहिए हमारी, जो हम एक सम्मान देते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये करो, आप इस हिसाब से हमारे घर पे आइए, ये करिए, मतलब उतना ही मान सम्मान नहीं देते थे, और उसके बाद भी इन लोगों ने सेवा की, ये एक बहुत बड़ा अहम योगदान था इनका कोरोना के टाइम में। तो आपने देखा कि आरएमपी डॉक्टर्स को कैसे सम्मानित किया गया, एमडी अजब बेनीवाल जी और उनके बारे में क्या विचार थे, ये सब आपने देखा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। बने रहिए आपने न्यूज़ के साथ, मैं सुमन ख्यालिया।